कोटेश्वर स्थित पौराणिक मंदिरों के दर्शन किए, उसके बाद मां नर्मदा का आशीर्वाद भी लिया। वहीं कोविड-19 के लिए कलेक्टर ने लोगों से सचेत रहने की अपील की। वहीं मीडिया से चर्चा के दौरान धार कलेक्टर ने बताया कि वह पहली बार धार की कोटेश्वर में आए हैं, यहां पर आकर उनके मन को काफी शांति मिली है। वहीं कोटेश्वर के संरक्षण को लेकर जिला प्रशासन अपने स्तर पर योजनाबद्ध तरीके से कार्रवाई कर रहा है और कुछ उचित कार्रवाई के आधार पर डूब प्रभावित इलाकों से जुड़े कोटेश्वर को सभी लोगों की आस्था को ध्यान में रखते हुए दूसरी जगह स्थापित किया जाए। इसके साथ ही कोविड-19 के लिए भी धार कलेक्टर ने लोगों को सचेत रहने की अपील की। इस संक्रमण से सभी को बचकर रहना है, पूरी सतर्कता बरतनी होगी जिससे जिले को इस महामारी से बचाया जा सकेगा। बहुत दिनों से कोटेश्वर धाम के बारे में सुन रखा था और संयोग से धार कलेक्टर के रूप में आने के बाद मुझे आने का मौका मिला और SDM साहब ने बताया कि बहुत शीघ्र बारिश के बाद रास्ते भी बंद हो जाते हैं, आना भी मुश्किल पड़ता है, तो दिल में बड़ी इच्छा थी। आज नर्मदा मैया का इसी बहाने दर्शन हुआ। जो हमारे लोग जिन्होंने त्याग करके बाहर जाके अपने निसरपुर में अपनी बसाहट की है, उनकी भी कुछ समस्याएं हैं। यहाँ जो स्थानीय लोग हैं उनके बसाहट की है, सभी लोग नर्मदा मैया के नज़दीक से नज़दीक रहना चाहते हैं, तो हमने SDM साहब ने और सभी ने कुछ प्लान किया है, यहाँ के लोगों के साथ भी प्लानिंग की है और बहुत जल्दी उसको मूर्त रूप में लाने का हम लोग प्रयास करेंगे। और कोशिश ये रहेगी कि कोटेश्वर धाम की जो सदियों से जो यहाँ की लोगों की यहाँ पे जो आस्था बनी हुई है और इसका जो धार्मिक महत्व है वो निरंतर बना रहे, उसमें प्रशासन की तरफ से जो भी सहयोग होगा उसको हम लोग करेंगे। क्योंकि हमारे प्रेस मीडिया के साथी यहाँ पे हैं और कोविड-19 के दौरान जो ये संकट का दौर चल रहा है उस पर भी मां नर्मदा सब पे कृपा करें, सब लोग यहाँ पे स्वस्थ रहें। और प्रेस मीडिया के साथियों के माध्यम से अनुरोध करना चाहूँगा कि लोगों के इसके बारे में भी लगातार जानकारी दें, क्योंकि एक स्प्रेड का ये समय है और कभी भी इसकी संभावनाएं बनी रहती हैं जिसमें जनहानि हो सकती है। तो मुझे बताया हमारे SDM साहब ने और सभी साथियों ने कि प्रेस मीडिया ने यहाँ के लोगों की बसाहट में, पुनर्वसाहट में लोगों की समस्याओं के निराकरण करने में काफ़ी सकारात्मक सहयोग अपनाया और मैं उम्मीद करूंगा कि जब तक मैं जिले में हूं तब तक आप लोगों का इस तरह का सहयोग मिलता रहेगा। थैंक यू।